हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम, और आज हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। लास्ट सेशन में हमने सारे एमसीक्यूज उठाए थे रिलेटेड टू बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब इंट्रोडक्शन लेवल के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में डिस्कस करे थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा सेशन के बाद। हम कर क्या रहे हैं, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को उठा रहे हैं और उनके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में ना अटके। आपको इन्फॉर्म कर दूं, हमने अकाउंट्स के ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपका टॉपिक है उसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगा। और अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वीकली एक एक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग के। आज हम सिर्फ कैपिटल बजटिंग के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। करें स्टार्ट, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दिए, ताकि कोई भी वीडियोस आपकी ना छूटे और आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जाइए anujjindal.in पे, वहां पे जाके ईएसआई सेक्शन पे जाके इनरोल कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं, जो कि नाम है ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनुज जिंदल के नाम से। इधर आप मुझसे कोई भी डाउट या किसी और फैकल्टी से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। चले अब क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे हर बार करते हैं, हम आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, एक पेज रख लेना अपने पास और 5 नंबर तक सीरियल ऑर्डर डाल लेने हैं। मेरे आंसर देने से पहले आपको ट्राई करना है कि आप अपना आंसर उसमें लिख लीजिए, और एंड में जितने आपके सही आंसर हो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताने हैं। और अगर आपके बहुत कम आंसर सही हो रहे हैं या एक या दो सही हो रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आपके 5 के 5 या 4 out of 5 ठीक हो रहे हैं तो आप एज अ रिविजन सेशन इसे ले लेंगे। तो मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि हम किस टॉपिक में वीक हैं या किस पे हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटल बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कैपिटल बजटिंग किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, फाइनेंसिंग डिसीजन का, डिविडेंड डिसीजन का या मैनेजमेंट डिसीजन का? कैपिटल बजटिंग हमारा किस डिसीजन का पार्ट है? पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। देखो, जब हम डिसीजन की बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो टोटल हमारे 3 डिसीजन हैं। कौन कौन से 3 डिसीजन हैं? एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब आपको रिकॉल करा दूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम किस चीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट करने की इन एसेट्स। अब एसेट्स हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं लॉन्ग टर्म और एक हो सकते हैं शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग। और शॉर्ट टर्म एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ, तो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, अनइंपॉर्टेंट, बोथ ए एंड सी। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, क्या वो रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं या अनइंपॉर्टेंट होते हैं, या बोथ ए एंड सी? तो अभी हमने बात करी थी कैपिटल बजटिंग डिसीजन कौन से होंगे, जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो वो होते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। जल्दी से बताओ, क्या वो रिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं या अनइंपॉर्टेंट होते हैं?
देखो रिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या है, जिसे हम रिवर्स कर सकें, कि लेट सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट पे 10 करोड़ रुपीज लगाए और अगले दिन मेरा मूड चेंज हुआ, मैंने कहा नहीं 10 करोड़ रुपीज वापसी कर दो। मैंने क्या करा, अपने डिसीजन को रिवर्स कर लिया। इरिवर्सिबल जो मेरा डिसीजन है वो रिवर्स नहीं हो सकता। लेट सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली 5 करोड़ रुपीज की, अब ये बिल्डिंग मैंने परचेज कर ली है, अब इस डिसीजन को मैं वापसी नहीं ले सकता कि भाई जो परचेज कर ली वो 5 करोड़ की परचेज कर ली। हाँ मैं इसे आगे सेल कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता कि भाई मेरी जो बाइंग है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इरिवर्सिबल क्या हो गया, जो रिवर्स नहीं हो सका। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब तो पता ही है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है रीजन, या बोथ ए एंड सी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल देखो, हम अपने कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। जब मैंने कोई एसेट इन पे इन्वेस्ट कर दिया या किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दिया, मैं उसे वापसी नहीं ले सकता। और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं हमारे, उसमें कंपनी का बहुत सारा फंड्स जुड़ा होता है, कंपनी का बहुत सारा फंड जुड़ा होता है, इसीलिए वो डिसीजंस इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उसमें करोड़ों में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उसे अनइम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इररिवर्सिबल। ठीक है, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ पी आई इज लेस देन इट्स एनपीवी, इफ पी आई इज लेस देन 1, इट्स एनपीवी इज लेस देन 0, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 0, इफ इट्स एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, इट्स एनपीवी इज एनपीवी विल बी नेगेटिव, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से सोचो। अच्छा, कई बच्चों के हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगी, तो वो हमें भी नहीं पता। तो आप भी इस चीज की टेंशन न लो, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो और जो जो आपके हाथ में है चीजें उस पे फोकस करो। देखो तैयारी करना आपके हाथ में है, और कुछ भी पढ़ाई हमारी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ये क्वेश्चंस या ये नॉलेज कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्पफुल ही होगी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो या इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यही होगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, लेट सपोज हमने आउटफ्लो किया 100 रुपीज का, प्रेजेंट को मैं अभी डालू, प्रेजेंट आउटफ्लो है 100 का और प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो है 80 का, प्रेजेंट इनफ्लो है 80 का और आउटफ्लो है 100 का प्रेजेंट वैल्यू, तो तब हमारी पीवीपीआई की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, है ना। देखो 0.8 आ रही है। ठीक है, अब जब हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 होगा, क्या हमारा एनपीवी इज लेस देन 0 होगा? देखो एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो कैसे निकलता है एनपीवी, कैसे निकलता है हमारा एनपीवी, निकलता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यही एनपीवी का फॉर्मूला होता है। अभी मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो क्या लिया 80, आउटफ्लो क्या लिया 100, तो 80 माइनस 100, तो ये हमारा जो एनपीवी आ गया नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। एक बार मैं बाकी भी चेक कर लेता हूं। देखो पी आई इज इक्वल टू 0, पी आई 0 का, 0 का मतलब क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 0 है, तो एनपीवी ग्रेटर देन 0 तो मतलब ही नहीं बनता। पी आई ग्रेटर देन 1, पी आई ग्रेटर देन 1 ले लूं, मतलब अगर 120 ले लूं इनफ्लो और ये 100 हो गया, तो तब पी आई ग्रेटर देन 1 हो गया। अब इसमें ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, जो हमारा एनपीवी होगा, जो हमारा एनपीवी होगा वो पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन, दैट पी आई इज लेस देन 1, देन इट्स एनपीवी इज लेस देन 0। समझ आ गया, जहां भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जल्दी से अपने माइंड में एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना लिया करो, उसे सॉल्व कर लिया करो, वहीं पे वहीं आपको इजी हो जाएगा और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेबैक पीरियड टेक्निक इज बेस्ड ऑन ऑल कैश फ्लोज, ओनली हाई कैश फ्लोज,
अर्लियर कैश फ्लोज, सेलेक्टेड कैश फ्लोज। पे बैक पीरियड जो टेक्निक है हमारी कैपिटल बजटिंग की, वो किस पे आधारित है? क्या वो सभी कैश फ्लोज को कंसीडर करती है, क्या वो सिर्फ हायर कैश फ्लो को कंसीडर करती है, क्या वो सिर्फ स्टार्टिंग वाले कैश फ्लोज को कंसीडर करती है, या कुछ सिलेक्टेड कैश फ्लोज को कंसीडर करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए पे बैक पीरियड वाला होता क्या है। तो पे बैक पीरियड क्या होता है फॉर्मूला? पे बैक पीरियड का इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल इनफ्लो। और इसमें हम पता क्या करते हैं कि जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट करी है वो कितने इयर्स में हमारे पास वापसी आ जाएगी। लेट सपोज अगर मैंने बोला कि मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी है 1 लाख रुपीज की, और मुझे पता है कि जो मेरा प्रोजेक्ट है या जो एसेट है उससे इनफ्लो आ रहा है, लेट सपोज 1000 रुपीज का हर एक साल। मतलब होगा क्या, 1000 रुपीज का जब इनफ्लो बोलूंगा मतलब 100 ईयर्स बाद, मेरी 100 ईयर्स ज्यादा हो गए, 100 ईयर्स तक बाद मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास वापसी आ जाएगी। यही बात हो गई। वही अगर 10,000 रुपए इनफ्लो आ रहा होता मीन्स 10 साल के अंदर मेरा सारा पैसा मेरे पास वापसी आ जाएगा। वही होता है मेरा पे बैक पीरियड टेक्निक। ये चेक करते हैं हम पे बैक पीरियड टेक्निक में। अब क्या पे बैक पीरियड में क्या हमने सारे कैश फ्लो को कंसिडर किया? जब मैंने यहां पर 10,000 की बात करी, जब मैंने 10 ईयर्स निकाला, इसको हटा देता हूं, एक बार 10,000 वाली अमाउंट ही ले लेते हैं। जब मैंने इस 10,000 की बात करी, इसमें मैंने क्या देखा कि 10 साल तक मेरे को 10,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। ये चीज चेक करी तो इसमें मैंने 10 साल के बाद होने वाले इनफ्लो की तो बात ही नहीं करी। 15th ईयर में मेरे को कितना इनफ्लो हो रहा है उसकी बात नहीं करी। तो पे बैक पीरियड हमारा ऑल कैश फ्लोस को तो कंसिडर ही नहीं करता। क्या यहां पे मैंने हायर या लोअर की बात करी? बिल्कुल नहीं करी। मान लो अगर अलग अलग इनफ्लो भी होते कि भाई पहले साल 5,000 रुपीज इनफ्लो हुआ, दूसरे साल 15,000 हुआ, तो तब भी जो मेरा पे बैक पीरियड निकलता वो कैसे निकलता? जो स्टार्टिंग के कैश फ्लोज है मैं उनको ऐड करता, उसका क्यूमुलेटिव करता, याद हो तो उसका क्यूमुलेटिव करता। जब अनइक्वल होता था हम क्या करते थे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकालते थे। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, अर्लियर कैश फ्लोज, मतलब स्टार्टिंग के जो कैश फ्लोज होते हैं उसे कंसीडर करते हैं हम पे बैक पीरियड में, ना कि ऑल कैश फ्लोज का या हायर सेलेक्टेड कैश फ्लोज को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्लियर कैश फ्लोज। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल IRRs आर ऑब्टेन्ड व्हेन कैश फ्लोज इज अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्सीड कैश फ्लो ड्यूरिंग द लेटेस्ट स्टेज, कैश फ्लो रिवर्स देयर साइन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, कैश फ्लोज आर अनइवन, नन ऑफ द अबव। IRR कब आते हैं हमारे पास? दो IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कब हमारे पास एक से ज्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलता है? बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की हमें ज्यादा जरूरत नहीं कि कब हमारे मल्टीपल IRRs आने के चांसेस होते हैं। जब हमारा क्या, जब हमारे जो कैश फ्लोज होते हैं वो रिवर्स साइन में हो जाते हैं ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्लोज रिवर्स देयर साइन ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कि आपके कितने सही आंसर हैं 5 में से, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे मेंशन करो। और एक क्वेश्चन हर बार की तरह जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन चारों में से कौन सा वाला कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है, इसका आंसर मुझे आपको आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट वीक, और हम नेक्स्ट वीक भी डिस्कस करेंगे कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस, और कैपिटल बजट के कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस MCQs हम नेक्स्ट सेशन में उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड सेशन हमारा थर्सडे को सेम 2 PM, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।